प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बेटा अपनी किताब नैतिक शिक्षा में से पाठ नंबर 16 को करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा हम पाठ नंबर 15 तक कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उन पाठों का सभी का बेटा अभ्यास कर लिया होगा और उसमें आपको जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई आपने उनका भी पालन किया होगा। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो आपकी नैतिक शिक्षा की किताब है इसमें आपके बेटा जो भी पार्ट है इसकी आपकी कोई भी रिटन असेसमेंट नहीं होती, ये जस्ट आपका ओरल वर्क होता है। ओके, तो इसमें बेटा हमने जो भी बातें सीखी हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, आपने भी उन बातों को क्या करना होता है, अपने जीवन में धारण करना होता है, अर्थात अपने जीवन में उनका आपने पालन करना होता है। तो आज हमारा बेटा जो पार्ट है पार्ट नंबर 16 उसका नाम क्या है, पाठशाला को। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बेटा पाठशाला शब्द का मीनिंग क्या होता है। पाठशाला कहते हैं बेटा स्कूल को। इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं स्कूल और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पाठशाला। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें देखिए बेटा आपको यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं और साथ में कुछ वाक्य भी लिखे गए हैं। अब जैसे बेटा आपकी हिंदी में सभी मात्राएं क्लियर हो चुकी हैं तो अब आपको बेटा हिंदी की रीडिंग भी आ गई होगी अच्छे से, तो आप खुद से भी बेटा इस पाठ में जो भी आपको वाक्य लिखेंगे आपने खुद से भी इन वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करना है। मैं एक बार आपको बेटा करवा रही हूँ बट आपने खुद से भी इनको पढ़कर देखना है। सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पर आपको आपकी बुक पर एक चित्र दिखाया गया है। ये कौन है, ये बालक है और ये है बालिका। बालक का मतलब होता है बेटा लड़का और बालिका का मतलब होता है लड़की। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट वाक्य क्या लिखा हुआ है, बालक और बालिका पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इन्होंने साथ में अपने स्कूल बैग भी ले रखे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं, बालक और बालिका पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखिए सड़क पर बाई ओर चल रहे हैं। ये देखिए बेटे जब ये स्कूल जा रहे हैं पाठशाला जा रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं, सड़क पर पैदल चलकर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पैदल जाते हैं, कुछ होते हैं जो बसेस या फिर वैन्स वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेटा पैदल जा रहे हैं स्कूल तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सड़क पर बाई ओर चल रहे हैं। ये दोनों सड़क पर कहाँ चल रहे हैं, ये दोनों सड़क पर बाई ओर चल रहे हैं। ये होता बेटा आपका बायां हाथ और ये होता आपका दायां हाथ। देखिए जिस हाथ से मैं आपको लिखकर यहाँ पर दिखाती हूँ ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां हाथ, और दूसरा हाथ मेरा कौन सा हो गया, बायां हाथ। तो जब भी बेटा हमें सड़क पार करनी है तो हमें हमेशा अपने बायां हाथ चलना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये बालक और बालिका कैसे चल रहे हैं, ये दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब कि ये ज्यादा तेज नहीं चल रहे, भाग कर नहीं जा रहे, क्योंकि सड़क पर बेटा और भी बहुत सारे वाहन चलते हैं जैसे कि स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल और भी बहुत सारे वाहन होते हैं। तो जब भी बेटा आप कभी सड़क पार करते हैं तो आपको हमेशा धीरे धीरे ही चलकर पार करनी चाहिए। अगला वाक्य देखिए बेटा, दौड़ कर नहीं चल रहे हैं। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये दौड़ कर नहीं चल रही है, कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आपने भी इस बात का बेटा ध्यान रखना है कि जब भी हमने सड़क पार करनी है तो हमने धीरे धीरे चलकर ही पार करनी है, दौड़कर पार नहीं करनी, क्योंकि इससे बेटा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अगर आप धीरे धीरे पार करेंगे तो आप आराम से पार कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, अब आगे देखिए बेटा चित्र देखिए, अब ये दोनों कहाँ पहुंच गए हैं, ये दोनों बालक और बालिका पाठशाला पहुंच गए हैं। तो अगला वाक्य क्या है हमारा, गुरुजनों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। गुरुजन किसको कहते हैं बेटा, जो हमें स्कूल में शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं गुरुजन। इंग्लिश में हम उनको कहते हैं टीचर्स और हिंदी में हम उनको क्या कहते हैं, गुरुजन। गुरुजनों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। अभिवादन का मतलब होता है बेटा उनको विश करना, जैसे कि उनको नमस्ते बोलना या फिर गुड मॉर्निंग विश करना। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब ये पाठशाला पहुंच गए तो ये अपने टीचर्स को मतलब कि अपने गुरुजनों को हाथ जोड़कर उनको विश कर रहे हैं। आप भी बेटा जब स्कूल जाते हो तो आपको अपने सभी टीचर्स को, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनको हाथ जोड़कर आपको विश करना चाहिए। या तो आप नमस्ते बोल सकते हैं या फिर आप गुड मॉर्निंग वगैरह भी विश कर सकते हैं। ओके, तो ये था बेटा हमारा आज का पाठ जिसमें हमने सीखा कि बालक और बालिका को स्कूल जाते हुए मतलब कि पाठशाला जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़कर नहीं चलना चाहिए, और पाठशाला पहुंचने के बाद अपने गुरुजनों को हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए। तो आज आप बेटा अपने आप पाठ नंबर 16 का इसका आप अभ्यास करेंगे, इसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं उनका आप पालन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।